नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दो भाई मोहन और सोहन। एक समय की बात है कि एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही दुर्घटना में चल बसे थे। अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। मोहन सोहन से बड़ा था, इसलिए मोहन अपने भाई की हर ज़रूरत पूरी करना अपनी जिम्मेदारी मानता था। वह चाहता था कि सोहन अच्छा पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसलिए मोहन दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था और उन पैसों से सोहन की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। मोहन एक कारखाने में काम करता था। कारखाने का काम ख़त्म करके वह एक चाय की दुकान खोलता था ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे सोहन की फीस और उसकी ज़रूरतें अच्छे से पूरी कर सके। मोहन सवेरे जल्दी कारखाना जाता था, इसलिए वह जल्दी उठकर घर का सारा काम करता था और दोनों के लिए खाना बनाकर रख देता था ताकि सोहन को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते गए और सोहन की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने मोहन के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। मोहन के लिए कॉलेज की फ़ीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह सोहन की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। अब मोहन को और ज़्यादा काम करना पड़ता था। मोहन रात को 12 बजे तक कारखाने और चाय की दुकान वाला काम ख़त्म करके घर आता था और सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाता था। इस तरह समय गुजरा और सोहन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। इधर मोहन दिन रात खून पसीना एक करके पैसे कमाता था। मोहन की नींद पूरी नहीं होने से वह कुछ बीमार सा रहने लगा। फिर भी वह हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि सोहन पढ़कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा और उसे इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से 3 साल बीत गए। आज सोहन के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का परिणाम निकलने वाला था। मोहन बहुत खुश था कि सोहन बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। मोहन उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंच गया और घर जाकर सोहन का इंतज़ार करने लगा। उसने सोचा कि आज सोहन के आते ही वह उसे मिठाई खिलाएगा। मोहन अपने भाई का इंतज़ार करने बैठ जाता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद सोहन का कुछ पता नहीं था। मोहन बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहा। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब मोहन का भय बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि कैसा लड़का है, परिणाम अच्छा आया होगा इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया होगा और अपने भाई को ही भूल गया। वह मन को बहलाने लगा। अब तो काफ़ी समय हो गया था। मोहन को लगा कि उसके भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया और वह डर गया। कुछ देर बाद कोई दरवाजे पर आया। अब मोहन को राहत की सांस ली। कहा, चलो ये लड़का आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि कुछ पुलिस वाले आए हैं। मोहन डर के मारे कांपने लगा और पूछा, आप लोग क्यों आए हो, मेरा भाई कहाँ है, वो ठीक है ना। इतने में एक पुलिस वाले के पीछे से सोहन निकला और मोहन के पैर में पड़ गया। मोहन ने उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्रिया कि तू ठीक है, मैं तो बहुत डर गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि मोहन जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास सोहन जैसा भाई है। सोहन ने आज वो कर दिखाया है जो हर कोई नहीं कर पाता। उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। आज उसके परिणाम भी आए हैं। सोहन ने दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कुछ दिनों बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। ये सुनकर सोहन ने कहा कि भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसने ऐसा भाई पाया है। इन्होंने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है और उसके लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन अब समय आ गया है कि ये आराम करें और मैं इनकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। यह देख मोहन खुशी से रोने लगा। दोनों भाई आपस में गले लगे। पुलिस वालों ने उन्हें बधाई दी और सबने मिठाई खाई। सीख, परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन कभी मेहनत करना मत छोड़ो, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।